गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट वन ऑफ रेस्पिरेशन में हमने जनरल अकाउंट पढ़ा था अबाउट रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इट स्टार्ट विद नेसल पैसेज नेसल पैसेज क्या है आपको एक्सटर्नली जब आप मिरर में देखते हो और आपको अपनी नोज दिखाई देती है नोज में आपको दो होल्स दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड एज दी नोस्ट्रिल्स और वहीं से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाता है नोस्ट्रिल्स में क्या होते हैं फाइन हेयर्स होते हैं नोस्ट्रिल के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं फाइन हेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं फिल्टर्स का काम करते हैं कि अगर हमारे नोज में कोई डस्ट घुस जाए या कोई टाइप का बैक्टीरिया घुस जाए तो उसको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं देन फाइन हेयर्स के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है म्यूकस क्या होता है एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो अगेन हेल्प करता है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो भी एयर जा रही है एक तो उसको फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसको नोस में ही चिपकाने में हेल्प करता है ताकि वो अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए और इवन जो एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आ रही है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से मैच कर सके अब ये जो एयर है वो कहाँ जाएगी यहां पहुंच गई जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ये एरिया क्या है फैरिंग्स है फैरिंग्स जो होता है दैट इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड एयर और फूड के लिए कॉमन पाथवे होता है फेरिंग्स अब फेरिंग्स के बाद ये रीजन जो है ये रीजन ये हमारा थ्रॉट रीजन में आ जाता है थ्रॉट क्या होता है हमारा नेक होता है और हमारी जो रेस्पिरेटरी uh, सिस्टम की जो ये पाइप होती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे होती है मीन्स फ्रंट पार्ट में हमारी नेक में से रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये विंड पाइप आगे बढ़ती है और पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम की तो नेक रीजन में क्या लोकेटेड होता है हमारा लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं अब ये जो लैरिंग्स होता है ये प्यूबर्टी तक तो मेल्स और फीमेल्स में एक जैसा दिखता है बट जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो मेल्स में ये जो लैरिंग्स है ये अलग से प्रोट्रूड होने लग जाता है गले के बाहर दिखने लग जाता है इन मेल्स जिसको क्या कहा जाता है एडाम्स एप्पल एडाम्स एप्पल एक्चुअली में क्या है थायरॅड कार्टिलेज होता है उसका प्रोट्रूजन है तो ये किसमें प्रोमिनेंट होता है मेल्स में होता है तो आपको इतना याद रखना है कि लैरिंग्स जो है दैट इज द वॉइस बॉक्स एंड इट बिकम्स प्रोमिनेंट इन मेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी विच इज कॉल्ड एज अ डैम्स देन उसके बाद आती है हमारा ट्रैकि विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप यहां से एयर आगे बढ़ेगी के ऊपर हमारे ये जो आपको रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहा जाता है ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है दे प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक है ताकि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कलेप्स ना हो क्योंकि इसमें से क्या होती है एयर अंदर बाहर जाती है तो वो कलेप्स ना हो जाए बंद ना पड़ जाए इसलिए उसके लिए एक रिंग एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहा जाता है अब ये जो विंड पाइप है हमारी ये दो हिस्सों में बट जाती है जिनको क्या कहा जाता है ब्रोंकाय कहा जाता है देन देन ये जो ब्रोंकाय है ये दो लंग्स में एंटर कर जाते हैं अलग अलग this is the left lung and this is the right lung. तो अब ये जो bronchae हैं ये और छोटे-छोटे छोटे tubes -छोटे -छोटे छोटे में divide हो जाएंगे, like primary bronchioles में then secondary bronchiole then tertiary bronchiole and finally ये जो bronchioles हैं ये सारे जो bronchioles हैं ये end कर जाएंगे एक balloon like structure में जिसको alveoli कहा जाता है कुछ इस तरीके का दिखता है ये एलवी ओलाई को क्या कहते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्योंकि एलवीओलाई जो है ये एक तो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है मींस कि एलवी के आसपास एलव्यूलाई जो है इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज ठीक है तो यहां पे ब्लड आता है ये जो ब्लड आ रहा है ये कहां से आ रहा है ये बॉडी पार्ट से आ रहा है अब जो बॉडी पार्ट से ब्लड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है ठीक है ना क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और जो एलवी के अंदर ब्लड एयर आ, uh, आ रही है दैट इज ऑक्सीजन रिच तो यहां से ऑक्सीजन रिच एयर आ रही है ब्लड में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है अब यहां पे क्या होगा डिफ्यूजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्विलाई में चली जाएगी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगी और हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो एक्जेल कर देंगे और ये जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसल में आई है मीन्स हमारी कैपिलरीज में आई है ये हमारे सेल्स के पास चली जाएगी फॉर रेस्पिरेशन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है तो उस टाइम पे हमारा लंग्स में एक फिक्स्ड अमाउंट की एयर होती है जिसको क्या कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है ठीक है रेजिडुअल वॉल्यूम वो फिक्स्ड अमाउंट की एयर है जो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहती है मींस अगर हम उसको फोर्सफुली एक्सहेल करके भी बाहर निकालने की कोशिश करें तो वो जो एयर है वो बाहर नहीं निकलेगी ये क्या इंश्योर करती है ये इंश्योर करती है कि हमारे लंग्स को सफिशियंट टाइम मिले कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके और लंग्स को लैप्स ना कर जाए राइट right? अब क्योंकि ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस काफी नहीं होता कि हरेक सेल के पास जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचा सके तो हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ठीक है हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास एक पिगमेंट होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है ये हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर की पिगमेंट होती है इसी वजह से हमारा जो ब्लड uh, होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं हमारे ब्लड के तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है और ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है ऑक्सीजन को ट्रैप करता है मीन्स अगर हमारे आस पास खूब ऑक्सीजन अवेलेबल है बट हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि ये ऑक्सीजन को पकड़ के सेल के हरेक सेल हर ब्लड के थ्रू हरेक सेल के पास पहुंचाने का काम कौन करता है हीमोग्लोबिन करता है तो हीमोग्लोबिन जो है वो सफिशिएंट होना ब्लड में जरूरी है एवरेजली 12 टू 16 ग्राम पर 100 एम ऑफ हीमोग्लोबिन एक हेल्दी ह्यूमन बींग के लिए माना जाता है देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा सोल्यूबल है वाटर के अंदर तो हमारे ब्लड में भी मैक्सिमम वाटर होता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में ज्यादातर क्या होता है पानी ही होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड में मेनली डिजॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करती है So, this was all about the human respiratory system. I hope you understood this. In case of any problem, then please free, feel free to comment in the comment box below. Please put your suggestion, and God bless you all.